चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV6, दैट इज फास्फोरस हैलाइड्स। अगर हम फास्फोरस के हैलाइड्स की बात करें तो फास्फोरस फॉर्म करता है ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स। तो चलिए पहले बात करते हैं फास्फोरस ट्राई हैलाइड्स की, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट हैलाइड होता है फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। चलिए पहले देखते हैं कि फास्फोरस ट्राई क्लोराइड को कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए यदि हम ड्राई क्लोरीन को हीटेड व्हाइट फास्फोरस पर प्रवाहित करें या पास करें तो PCl3 फॉर्म होता है। यहां पर हम इक्वेशन से देख सकते हैं, जब व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ तब PCl3 बनता है। एंड द अदर मेथड इज फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड। इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि अगर व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन होती है थायोनाइल क्लोराइड के साथ तब PCl3 बनता है, SO2 बनता है और S2Cl2 बनता है। चलिए अब बात करते हैं PCl3 की प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये एक कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। अगर हम PCl3 की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हम यहां पर देख सकते हैं कि एक 3s ऑर्बिटल और 3 3p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर 4 sp3 ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। ये चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और इसीलिए PCl3 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है। अगर हम शेप की बात करें तो PCl3 की शेप होती है पिरामिडल शेप। और यहां पर एक बात ध्यान देने की है, जो लोन पेयर होता है PCl3 का ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहता है। चलिए अब बात करते हैं PCl3 की केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले देखते हैं कि वाटर के साथ कैसे रिएक्शन देता है। अगर हम PCl3 की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तब फास्फोरस एसिड बनता है और HCl गैस बनती है। PCl3 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन दिखाता है जिनके पास OH ग्रुप मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब PCl3 की रिएक्शन एसिटिक एसिड से होती है तब फास्फोरस एसिड बनता है और एसिटाइल क्लोराइड बनता है। इसी तरह से जब PCl3 की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से होती है तब फास्फोरस एसिड बनता है और इथाइल क्लोराइड बनता है। चलिए अब बात करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, दैट इज PCl5। सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रिपरेशंस। अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो इसको बहुत इजीली बनाया जा सकता है अगर ड्राई क्लोरीन को हीटेड व्हाइट फास्फोरस पर प्रवाहित या पास किया जाए। यहां पर आप इक्वेशन में देख सकते हैं, जब व्हाइट फास्फोरस ड्राई क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तब PCl5 बनता है। इसके अलावा इसको थायोनाइल क्लोराइड से भी बनाया जा सकता है। जब व्हाइट फास्फोरस SOCl2 के साथ यानी कि थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तब PCl5 बनता है और SO2 गैस बनती है। अब बात करते हैं PCl5 की प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम PCl5 के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को देखें तब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है जबकि 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 3d ऑर्बिटल वेकेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर 3s से 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाए 3d में तब फास्फोरस अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक 3s ऑर्बिटल, 3 3p ऑर्बिटल और एक 3d ऑर्बिटल ने मिलकर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाया है और इसीलिए यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है। अगर हम PCl5 के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है जिसमें 2 क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पर और 3 क्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन पर होते हैं। एक्सियल पोजीशन पर जो क्लोरीन होता है उसका फास्फोरस से जो डिस्टेंस है वो 240 पिकोमीटर होता है और जो इक्विटोरियल पोजीशन पर क्लोरीन होते हैं उनका जो डिस्टेंस फास्फोरस से होता है वो 202 पिकोमीटर होता है। इसका मतलब ये है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम होती है। अब देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है। अगर हम बात करें एक्सियल बॉन्ड लेंथ की और इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ की तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ पर जो बॉन्ड पेयर्स का रिपल्शन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इस ज़्यादा रिपल्शन की वजह से ही बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाती है।
ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर्स का रिपल्शन होता है वो थोड़ा सा कम होता है। इस कम रिपल्शन की वजह से जो आपके इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं। अब बात करते हैं PCl5 की केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले देखते हैं कि PCl5 का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है। अगर PCl5 को हाइड्रोलिसिस किया जाए तो वो POCl3 यानी कि फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl गैस बनाता है। POCl3 का फिर से हाइड्रोलिसिस करने पर H3PO3 यानी और HCl बनता है। चलिए अब देखते हैं कि PCl5 का डिकम्पोजिशन किस प्रकार से होता है। PCl5 अनस्टेबल होता है, इसलिए अगर इसको रख दिया जाए तो ये PCl3 और Cl2 में डिकम्पोज हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि PCl5 का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर क्या एक्शन होता है। जब PCl5 की रिएक्शन एसिटिक एसिड से होती है तो POCl3 उसके साथ में एसिटाइल क्लोराइड और HCl बनता है। इसी प्रकार से अगर PCl5 की रिएक्शन इथाइल एल्कोहल से होती है तो भी POCl3 बनता है, इथाइल क्लोराइड बनता है और साथ में HCl बनता है। चलिए अब देखते हैं कि PCl5 का मेटल्स पर क्या एक्शन होता है। अगर सिल्वर की रिएक्शन PCl5 से होती है तब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है और सिल्वर का क्लोराइड बनता है यानी कि AgCl बनता है। इसी प्रकार से अगर स्ट्रॉन्शियम रिएक्शन करता है PCl5 के साथ तब भी PCl3 बनता है और स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड बनता है। यहां पर स्ट्रॉन्शियम का जो क्लोराइड होता है उसमें स्ट्रॉन्शियम प्लस 4 स्टेट में होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या होता है जब PCl5 को हीट करते हैं और क्या होता है जब PCl5 रिएक्ट करता है वाटर के साथ। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सोचिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सोच लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। PCl5 का स्ट्रक्चर तो हम पहले ही देख चुके हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें बॉन्ड्स की तो हमने पढ़ा था कि जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं और इसलिए वो इजिली ब्रेक हो जाते हैं। इसीलिए जो PCl5 होता है अगर हम उसे हीट करें तो वो ब्रेक हो जाता है PCl3 में और क्लोरीन गैस में। अगर PCl5 की वाटर के साथ रिएक्शन की बात की जाए तो PCl5 का वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करने पर POCl3 बनता है और साथ में HCl गैस रिलीज होती है। यहां पर बनने वाला POCl3 फिर से वाटर में हाइड्रोलाइज होता है और H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड और HCl फॉर्म करता है।